दुर्भाग्य से WWE में लोगों को काम से निकालना उनके काम करने का ही एक तरीका है। लेकिन कभी कभी जब WWE किसी को काम से निकालने वाला होता है तब उस टैलेंट के पास अपनी नौकरी बचाने के कुछ मौके होते हैं। तो या तो कभी ये रेसलर अपने बारे में लोगों का नजरिया बदलने में कामयाब हो सकता है, जो रिंग के अंदर भी हो सकता है और बैक स्टेज भी, नहीं तो ये हो सकता है कंपनी के टॉप स्टार्स के बीच में वो रेसलर फेमस हो, तब उनको एक और मौका दिया जा सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलेमिया में, जहां हम बात करेंगे 10 ऐसे मौकों की जब एक रेसलर ने अपनी नौकरी बचा ली। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलेमिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, स्टीवी रिचर्ड्स। इन्वेजन एरा के सबसे निराशाजनक मैचेस में से एक में क्रॉनिक ने ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना किया था। इन दोनों टीम्स का सामना अनफॉरगिवन 2001 के पे पर व्यू में हुआ था, और वो मैच इतना ज्यादा बुरा था कि क्रॉनिक के एक सदस्य ब्रायन क्लार्क को उस पे पर व्यू मैच के कुछ समय बाद ही WWE से निकाल दिया गया था। उनको इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्होंने WWE डेवलपमेंटल में जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्रॉनिक के दूसरे सदस्य ब्रायन एडम्स ने WWE डेवलपमेंटल में जाने का प्रस्ताव मान लिया था। क्रॉनिक के 2001 के बदनाम के दौरान स्टीवी रिचर्ड्स उनके साथ जुड़े थे, और एक शूट इंटरव्यू के दौरान रिचर्ड्स ने बताया था कि उन्होंने अनफॉरगिवन मैच के दौरान आखिर में मैच का एंड चेंज करके अपनी नौकरी बचा ली थी। आखिर में हमें एंड चेंज करना पड़ा और हम रिंग में गए। मैं ग्लेन के पास गया और फिर मैंने वही पीछे हाथ मारने की पुरानी तकनीक अपनाई, और हे भगवान, क्या वो अभी भी मेरे पीछे है। मैं मुड़ा, थोड़ा डरा, चोक स्लैम खाया, कुछ खास नहीं था, और एक बम्प लिया। मुझे लगता है एक तरह से मैंने वहां अपनी नौकरी बचा ली थी, क्योंकि मैं रिंग में गया और मैंने अगला मूव खुद ही बता दिया। उन लोगों को इस बात से खुशी थी कि हमने उससे मैच को एक हद तक बचाए रखा था। नंबर 9, JBL। हालांकि ये कभी साफ नहीं हुआ कि WWE कभी JBL को निकालने के बारे में सोच रही थी, लेकिन 2004 तक ये जाहिर हो चुका था कि APA की जोड़ी का समय खत्म हो चुका था। फरूक रिटायर होने की तैयारी में थे, जिसकी वजह से JBL, जो उस समय ब्रैडशॉ के नाम से जाने जाते थे, वो दुविधा में पड़ गए। JBL के लिए अच्छी बात ये रही कि उनके पास एक बैकअप था। 2003 में वो एक लेखक बन गए और उन्होंने हैव मोर मनी नाउ नाम की किताब लिखी। तो अब अगर WWE JBL को निकालने वाला था तब भी उनके पास एक बैकअप मौजूद था, लेकिन जब ब्रैडशॉ ने JBL के शानदार किरदार का आइडिया सबको बताया तो ये सभी को बहुत पसंद आया। इसके बाद JBL को सीधे मेन इवेंट सीन में उतारा गया और कुछ ही महीनों के अंदर वो WWE चैंपियन बन गए। नंबर 8, टाइटस ओनील। रेसलिंग की दुनिया को 2016 में डेनियल ब्रायन के पहले रिटायरमेंट की खबर से बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन ये इकलौती खबर नहीं थी जो उस वक्त रेसलिंग की दुनिया में तहलका मचा रही थी। जैसे ही ब्रायन की बात खत्म होने लगी, वैसे ही टाइटस ओनील ने विंस मैकमैन को खींच लिया ताकि स्टेफनी मैकमैन वहां से निकल सके। विंस इसके कारण ओनील से बहुत गुस्सा हुए और वो उन्हें तुरंत WWE से निकालना चाहते थे, लेकिन ओनील के लिए अच्छी बात ये थी कि ट्रिपल एच के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, और इसीलिए ट्रिपल एच ने विंस को समझाने की भी कोशिश करी थी। हालांकि ओनील इसके बावजूद भी सस्पेंड किए गए थे, लेकिन कम से कम इसका उनकी WWE रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा था। नंबर 7, अलेक्सा ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस NXT से बुलाए जाने वाले सबसे सफल रेसलर्स में से एक हैं, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था जैसे ब्लिस को WWE से निकालने वाले हैं। WWE में ब्लिस के शुरुआती दिनों के दौरान वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी और ना ही अपने लिए एक ऐसा किरदार बना पा रही थी जिसके साथ वो अच्छी लग सके। WWE का उनके ऊपर से विश्वास उठ रहा था और उन्हें निकालने की बात चल रही थी, लेकिन ब्लिस के लिए अचानक ही सब कुछ बदल गया जब उन्होंने ब्लेक और मर्फी के साथ जोड़ी बनाई और उन्होंने एक गॉडेस पर्सोना अपनाया जो उनके मेन रोस्टर के लिए इस्तेमाल किया गया। कई बार विमेंस चैंपियन रह चुकी ब्लिस ने नॉट सैम पॉडकास्ट पर एक अपीयरेंस के दौरान बताया कि कैसे वो एक बार WWE से लगभग निकाली जा चुकी थी। पहले ही दिन से मुझे पता था कि ये मेरे लिए करो या मरो वाला पल है, क्योंकि NXT में एक अच्छे इंसान के तौर पर मेरा किरदार आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और जब मुझे ब्लेक और मर्फी के साथ इस साझेदारी के बारे में बताया गया तो मुझे पता था कि मेरे किरदार में बदलाव की जरूरत थी। बुधवार की रात को हमारा सामना टेक ओवर से था और मैंने एंजो को धक्का देके ब्लेक और मर्फी की जीतने में मदद करी। अगले दिन मैं नए कपड़े और नए बाल के साथ बाहर आई, और मुझे पता था कि अगर मैं इसके साथ नहीं चली तो शायद मेरे पास ये नौकरी भी नहीं रहेगी। नंबर 6, टाइलर ब्रीज। 2015 में ESPN ने एक खास डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका फोकस NXT पर था। उस डॉक्यूमेंट्री में खास तौर पर NXT ब्रांड की बड़ी सफलताओं को दिखाया जाने वाला था और उसके साथ ही कुछ यादगार हारों को भी। इन असफलताओं में रेसलर्स को नौकरी से निकलने का पल दिखाया जाने वाला था, और उनमें से ही एक रेसलर थे टाइलर ब्रीज।
ब्रिज इतने समझदार थे कि उन्हें पता चल गया कि उन्हें जल्द ही एक नए गिमिक की जरूरत थी, और तभी उन्हें टायलर ब्रिज नाम के इस किरदार का ख्याल आया जो आगे चलकर एनएक्सटी के सबसे सफल किरदारों में से एक बन गया। ओरल सेशंस विद रेने पैकेट पर इस बारे में बात करते हुए ब्रिज ने बताया, वो E60 जो हम कर रहे थे उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सफल हो गए, कुछ ऐसे जिनके बारे में कुछ नहीं पता, और कुछ ऐसे रेसलर्स जिन्हें निकाल दिया गया था। मैं और बिग कैस ही वो दो थे जिन्हें निकालने वाले थे। उसी दौरान मुझे टायलर ब्रिज मिला और उसको एंजो के साथ अपनी खासियत मिली, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और अचानक WWE कहने लगी, हम इन दोनों को नहीं निकाल सकते, ये अच्छा कर रहे हैं। उसने पहली बार ऐसा सबके सामने कहा था, और हमने कहा, हे भगवान, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमें इसके अंत में निकालने वाले थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर। एक बिल्कुल दूसरी दुनिया भी थी जिसमें ब्रॉक लेसनर को मेन रोस्टर में आने से महज कुछ ही महीनों पहले WWE से निकाल दिया गया था। खैर, स्पोर्ट्स कीड़ा रेसलिंग के बिल एप्टर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मार्क हेनरी ने अपने और लेसनर के बीच के एक ऐसे किस्से के बारे में बताया जिसकी वजह से लेसनर की नौकरी खतरे में पड़ गई थी। हेनरी के मुताबिक उनका और लेसनर का एक अनस्क्रिप्टेड मैच हुआ था जिसमें हेनरी घायल हो गए थे। वो लगभग 6 फीट दूर से आया और वो सीधे मेरे एंकल पर आया, और उसने अपने दोनों हाथ मेरे एंकल के पीछे किए, और उसका कंधा मेरे घुटनों के पास था, और उसने मेरे घुटने हाइपर एक्सटेंड कर दिए। मैं लगभग 6 से 7 हफ्तों तक बाहर था, और मैं बस वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ था और हे भगवान कह रहा था। और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? और मैंने कहा, मैं हिल भी नहीं पा रहा। और उसने कहा, अब वो मुझे निकाल देंगे। मैंने कहा, नहीं, वो तुम्हें नहीं निकालेंगे, मुझे निकालेंगे। इसके बाद हेनरी ने बताया कि उन दोनों ने इस बात को हंसी में टाल दिया था, और अपनी नौकरी को लेकर लेसनर का ये शक शायद उस समय उनकी रेपुटेशन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि वो उस समय रिंग में लापरवाही के लिए बदनाम थे। लेसनर के लिए अच्छी बात ये रही कि हेनरी ने उनका साथ दिया, क्योंकि लेसनर ने गलत इरादे से कुछ भी नहीं किया था, और हो सकता है लेसनर के शानदार एटीट्यूड ने भी उनकी नौकरी बचाने में उनकी मदद करी हो। नंबर 4, सेथ रॉलिंस। रॉलिंस जब डेवलपमेंटल में थे तब WWE मैनेजमेंट के बीच उनकी कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। ट्रेनिंग के दौरान रॉलिंस बहुत मुश्किलें खड़ी करते थे, जिसकी वजह से ट्रिपल एच ने उन्हें अलग से ये समझाया था कि उन्हें रॉलिंस को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रॉलिंस को ये पता था कि उन्हें अपने बर्ताव को बदलना पड़ेगा। जोई मर्करी के साथ एक लंबी और गहन बातचीत के बाद रॉलिंस को खुद को बेहतर बनाने का ख्याल आया। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट पर इसके बारे में बात करते हुए रॉलिंस ने कहा, हंटर मुझे अलग लेकर गए और कहा, देखो, मुझे तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं दिखता। अगर तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें हमारे साथ काम करने में दिक्कत है, तो तुम रिंग ऑफ ऑनर में वापस जा सकते हो और अपने तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें हमारे हिसाब से रहना होगा। मैंने सोचा, हे भगवान, मेरा सपना तो टूटने वाला है। मैं जोई मर्करी के पास वापस गया और उसके साथ बैठा, और उसने कहा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये खेल कैसे खेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें एक किरदार निभाना पड़ेगा। तुम केवल तब उस किरदार में नहीं रहोगे जब तुम चाहो, तुम्हें हमेशा वैसे ही रहना पड़ेगा। तुम्हें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम वो सब कर सको, और साथ ही उन्हें अपना तरीका भी सिखा सको। यहाँ एक समझौता करना पड़ेगा और तुम्हें ही समझना पड़ेगा कि तुम वो कैसे करोगे। उसने मुझे बैठाया और वो पूरा तरीका समझाया। नंबर 3, बैटिस्टा। एक ऐसा रेसलर जिसका नाम हमेशा रूथलेस एग्रेशन एरा के साथ लिया जाता है, वो है बैटिस्टा। लेकिन एवोल्यूशन का सदस्य बनने से पहले बैटिस्टा WWE से निकाले जाने के बहुत करीब पहुंच गए थे। टॉक इज जेरिको पॉडकास्ट पर क्रिस जेरिको के साथ बातचीत के दौरान बैटिस्टा ने बताया कि डीकन बैटिस्टा का किरदार काम नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए WWE उनके साथ अपना रिश्ता खत्म करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब बैटिस्टा को ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन के साथ एवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए चुना गया, तब सब कुछ बदल गया। ट्रिपल एच और फ्लेयर को बैटिस्टा में एक बड़ा स्टार नजर आता था, और वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि आगे चलकर बैटिस्टा WWE के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे फेमस रेसलर्स में से एक बन चुके हैं। नंबर 2, बेकी लिंच। हालांकि अब बेकी लिंच मेन रोस्टर पर मेन इवेंट स्टेटस पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनका NXT करण, खास करके उनकी शुरुआत, उनके करियर का एक बेहतरीन हिस्सा नहीं था। NXT टीवी पर आने से पहले WWE के ट्रेनर्स और ऑफिशियल्स उनकी प्रगति से खुश नहीं थे, और उनको एक नया किरदार देने के बजाय वो लिंच को निकालने का विचार कर रहे थे। लेकिन समर रे के खिलाफ लिंच का NXT डेब्यू बिल्कुल शानदार रहा था, और इससे सब कुछ बदल गया। उन्होंने ट्विटर पर इस मैच के बारे में बात करी, और हालांकि अब वो ट्वीट हटा दिया गया है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा था, इससे 2 हफ्ते पहले ही वो मुझे निकालने वाले थे, मैं उससे कभी ऊपर नहीं उठ सकती जो मुझे जिंदा रहने के लिए करना पड़ा था। उन्होंने ये भी बताया कि डस्टी रोड्स भी WWE में उनकी नौकरी बचे रहने का एक बड़ा कारण थे, और अच्छा हुआ WWE ने उन्हें नहीं निकाला, नहीं तो ये उनकी एक बड़ी गलती हो सकती थी। नंबर 1, जॉन सीना। 2002 के अंत में WWE जॉन सीना का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पर विचार कर रहा था। सीना बहुत पुराने होते जा रहे थे, और स्क्रीन पर उनके किरदार में कोई दम नहीं दिख रहा था, और तभी सीना ने एक ऐसी बेहतरीन चाल चली जिसने उनका पूरा करियर बचा लिया। रूथलेस एग्रेशन डॉक्यूमेंट्री में बातचीत के दौरान जॉन सीना ने कहा,
मुझे बताया गया कि मुझे क्रिसमस कट्स के दौरान निकाल दिया जाएगा क्योंकि मेरा किरदार काम नहीं कर रहा था। हम एक समुदाय की तरह चलते हैं और इसीलिए हम सब एक ही बस में रहते हैं। इसलिए मैंने पीछे बैठे कुछ लोगों की बात सुनी, जैसे रिकिशी और रे मिस्टीरियो, जो उनके सरदार लग रहे थे और वो सभी फ्री स्टाइल करते थे। और मुझे याद है मैंने सोचा चलो यही करते हैं। मैं बस उसमें कूद पड़ा और ऐसा लगा जैसे वही मेरी पहचान थी। 2 सेकंड्स में ही मैंने टूना फिश जेटवे, जिस प्लेन पर हम चढ़ने वाले थे, जहां हम जाने वाले थे, उन सब के ऊपर रैप बना दिया। और उसके आखिर में स्टेफनी मैकमैन के बारे में भी कुछ बोला। तो स्टेफनी ने कहा, क्या तुम लोग ये टेलीविजन पर करना चाहोगे? और मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके कुछ ही हफ्तों बाद सीना का ये रैपर वाला किरदार टीवी पर नजर आया और इसने न केवल सीना की नौकरी बचाई थी बल्कि यही किरदार उन्हें WWE के अगले मुकाम तक भी लेकर गया था। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 वो पल जब WWE के रेसलर्स अपनी नौकरी बचाने में कामयाब हुए थे। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ। और WWE के 10 सबसे बड़े राज जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक करें।